Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. और कितने दिनों के बाद मैं vlogging कर रही हूँ, मुझे खुद ही feel हो रहा है कि मैं कितने दिनों के बाद vlogging कर रही हूँ. Actually, I think एक हफ्ते से ऊपर हो गया है मैंने कोई vlog नहीं बनाया, कुछ भी नहीं. And मेरी तबीयत भी बहुत ऊपर नीचे हो गई थी, तो उसकी वजह से मैंने vlogging भी बहुत कम किया है. तो आज मैंने सोचा कि चलो कल एक वीडियो मैं पब्लिश कर ही देती हूँ, तो इसीलिए. एंड इसी बीच जो भी इतने दिन गए हैं, तो उस बीच मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी, तो वो सब कुछ मैंने अनबॉक्सिंग किया था. आधी की हैं आधी नहीं की हैं, तो वही सब कुछ अभी करने वाली हूँ मैं अनबॉक्सिंग. तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ. और आज मैं गई थी बुगीज़, काफ़ी दिनों के बाद बाहर जाके मैं बुगीज़ जाके अपने पैरों के नेल्स करवा के आई हूँ, क्योंकि पैरों के मैं घर पे नहीं करती हूँ, वो बाहर ही करवाती हूँ. हाथ के तो मैं भी खुद कर लेती हूँ, तो पैरों के नेल्स करवाई मैं. एंड इंडिया में रमज़ान 24 से स्टार्ट होने वाला, क्योंकि 22nd को चांद नहीं दिखा, तो उसकी वजह से 24 से रमज़ान स्टार्ट है. और एक्सट्रीम गर्मी है इस साल, गवर्नमेंट भी बता चुकी है कि बहुत गर्मी होने वाली है. तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा धूप में घूमिएगा मत. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं, फिर भी बाहर काम पर मजबूरन उनको जाना पड़ता है. तो आई जस्ट प्रे कि भगवान उनको इतनी ताकत दे कि वो पूरे रोज़ों को आराम से उनके रोज़े कटे, ओके, तो बिना उनको कुछ ज़्यादा तकलीफ है. एंड मैं भी फास्टिंग रखने वाली हूँ कल से, तो आज मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, तो कल से मैं फास्टिंग रखने वाली हूँ. तो यहाँ तो बहुत गर्मी है, अब सुबह मैं इतना पानी वानी पीती रहती हूँ, बट होपफुली मैं भी सारे मेरे रोज़े कंप्लीट कर पाऊँ इंशाल्लाह, है ना. तो ये देखिए कुछ चीज़ें मंगाई है मैंने. आई थिंक मैं खड़े होके ही दिखाती हूँ, क्योंकि फिर मैं इधर बहुत दूर हो जाएगा कैमरा से, ठीक है. और मैंने कुछ ऐसे ही, मैंने एक नाइटी पहनी थी घर पे. नाइटी मतलब ये यहाँ की मले नाइटी बोलते हैं, मलेशियन लेडीज़ ये वाली नाइटी पहनती है, तो उसके ऊपर ही मैंने टी शर्ट पहन लिया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है इसीलिए. क्या लाई मंगाई थी वो दिखाती हूँ. मैंने ऐसी ये दो चीज़ें मंगाई है, ये क्या है आप भी वंडर कर रहे होंगे. ये ऐसा, इसको यहाँ पे पेस्टिंग का टाइप है पीछे, ठीक है. इसको आपको ये दीवार है समझिए, तो ये दीवार पे ना ऐसे लग जाता है, ठीक है. और ये ऐसे रोटेट होता है, ये नीचे वाला जो है इस पे आप नेक पीसेस टांग सकते हो, अपने गले की चेन्स यू नो उसको टांग सकते हो. तो दीवार पे यहाँ पे इसको चिपका दो पीछे, और इस पे ये जो हैंगर्स बने हुए हैं इस पे आप नेक पीसेस टांग सकते हो. तो ऐसे मैंने ये दो मंगाए, तो मैं अपने सारे जो नेक पीसेस एक्स्ट्राज हैं तो उसको इनमें टांग दूंगी मैं. साथ ही साथ मैंने ये चीज़ मंगाई थी, ये है फिंगर रिंग्स अरेंज करके रखने के लिए ऐसा कुछ. तो इसके बीच सारी अंगूठी कहाँ गई, तो सारी मेरी फिंगर रिंग्स ना इसमें मैं अरेंज करके रख दूंगी, क्योंकि वो बॉक्स में रखे हुए हैं ऐसे, तो मुझे दिखते नहीं है ना, एक के अंदर एक जंबल अप होके भी कभी कभार मुझे दिखते नहीं है, तो इसीलिए इसमें मैं रखूंगी तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा. ये फर्स्ट मैं एक मंगाई हूँ देखने के लिए, अच्छा लगा तो मैं और एक दो मंगवाऊंगी और ऐसे. तो ये भी मैंने शीन से मंगवाया, तो ये दो चीज़ें मैंने वहाँ से मंगवाई. और कल एक पार्सल आया हुआ है, अगर वहाँ देख रहे हो तो वो बॉक्स वहीं पे पड़ा हुआ है, मैंने अभी तक खोला ही नहीं. चलिए उसको खोलते हैं, उसमें क्या है दिखाती हूँ आपको. अभी ना सिंगापुर में शॉपी बोल के ऐप है, तो शॉपी से काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी लोग मंगवाते हैं, ठीक है. उस पर सेल चला हुआ था, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया था सेल के टाइम पे ही, क्योंकि ये काफ़ी यूज़ होता है घर पे. मैं ऑलमोस्ट हमेशा ये यूज करती हूँ ये चीज, तो आपको दिखाऊंगी क्या रुकी है. आई हेट अनबॉक्सिंग इट. तो इसमें आए हैं ये तीन कपड़ों के परफ्यूम्स होते हैं ये, मतलब कंडीशनर्स बोल सकते हो आप. तो इसमें ये तीन पैकेट आए हैं, ये कितना 1.35 केजीज ईच है. तो ये देखिए डाउनी परफ्यूम, ये कपड़ों का परफ्यूम टाइप होता है. तो ये एक्चुअली अगर आप रिटेल स्टोर में मॉल में जाके देखोगे तो थोड़ा महंगा है, बट मुझे सेल में काफ़ी सस्ता मिल गया है, तो इसीलिए मैंने ये मंगवा लिया था. एंड इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, एक्चुअली परफ्यूम टाइप होती है, कपड़ों में बहुत अच्छी खुशबू आती है. ये पूरा धुलने के बाद ना लास्ट स्पिन जब होता है वॉशिंग मशीन में, तो तब आपको ये एक कटोरा जितना डालना है. एंड ये बहुत अच्छी खुशबू आती है. तो ये तीन मंगाए थे, अब इस बॉक्स को मैं फेंक दूंगी. मैं ऐसा बॉक्स ढूंढ रही थी क्रिसमस के टाइम पे, क्योंकि मुझे चीज़ें डाल के रखनी थी. ये कार्टन कितना स्ट्रांग, कितना अच्छा है कार्टन,
तो तब मैं ढूंढ रही थी तब मुझे नहीं मिला, आप देखिए इतना अच्छा मिल गया है। आई थिंक इसको रख लेती हूँ मैं, फेंकूंगी नहीं। तो एक और बात शेयर करनी है तो प्लीज बने रहिएगा। ये देखिए, ये मेरे सारे जो क्या बोलते हैं, एकदम डिफरेंट टाइप के मेरे जो फिंगर रिंग्स ये सारे हैं, ये सारे इसमें आ गए। कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे ये फिंगर रिंग ऑर्गेनाइजर। मतलब आई थिंक मैं इसको और एक दो मंगवा लूँगी। ये मेरे करंट फिंगर रिंग्स हैं, और भी अलग बॉक्स में रखे हुए हैं, बट बड़े वाले जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, जो मेरे फेवरेट्स हैं, वो सारे ये हैं। ठीक है, तो सारे ही इसमें आ गए हैं, और कुछ कुछ जो छोटे छोटे हैं वो उसके लिए मैं एक और मंगवा लूँगी, क्योंकि इसमें वो आएंगे नहीं। ठीक है, तो वाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है ऐसे शॉप में मैं देखने जाती हूँ ना, तो तब ऐसे ही दिखते हैं। देखिए, इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट वाली लग रही है बताना ज़रूर है। देखिए, मस्त लगा मुझे ये, छोटा सा है बट बहुत अच्छा है। एंड ऑल्सो एक और बात शेयर करनी थी आप लोगों के साथ, मतलब जैसे मैंने वो गरम मसाले का भी बोला था ना पहले, वैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इंडियन ग्रुप है हमारे एरिया में, अब उसमें कहाँ कहाँ के लेडीज मौजूद है मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जब मैं डांडिया गई थी ना, तो डांडिया के बाद मैंने उस ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया था, इंडियन कम्युनिटी बोल के एक ग्रुप है। तो उस पर मैंने क्या किया, मैं रिसेंटली ना 3 दिन पहले मैंने मूंगफली की चटनी बनाई थी। जो भी हुबली से हैं लोग या फिर उत्तर कर्नाटका से हैं, उनको समझ आएगा, शेंगा चटनी बोलते हैं हम उसको, मूंगफली की चटनी होती है वो। तो वो मैंने फ्रेश बनाई थी, वो इतनी सुंदर लग रही थी दिखने में, तो मैंने उसका एक फोटो खींचा। ठीक है, फोटो खींच के ना मुझे ऐसा लग रहा है, दिखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही है, टेस्ट भी इतना मस्त है। एंड कुछ लोग होते होंगे जिन्होंने ये कभी ट्राई भी नहीं किया होगा, कर्नाटका के डिशेस, जो जैसे अलग स्टेट्स में रहते हैं उनको पता नहीं होता है कुछ कुछ आइटम्स, है ना। तो मैंने क्या सोचा कि इस ग्रुप में डाल के देखती हूँ, तो मैंने ना मूंगफली की चटनी का फोटो डाला एंड मैंने लिखा अगर किसी को चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए बोल के। ठीक है, तो फिर मुझे इमीडिएटली 3 मैसेजेस आए उस दिन, एंड तीनों लेडीज ने मुझे इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर किए एंड उन्होंने ऑर्डर दिया मुझे। लिटरली दिस वाज, मतलब मेरे लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर है सिंगापुर में, मैं बोल सकती हूँ। ये उन्होंने ऑर्डर दिया एंड वो आई थिंक 2 लेडीज उनमें से तेलंगाना से हैं, तेलंगाना मतलब कहीं हैदराबाद वगैरह के साइड से हैं वो, तो उन्होंने कभी ये चटनी ट्राई नहीं की है। ठीक है, उनको ट्राई करना है, उस बेसिस पे उन्होंने मुझे 1/2 kg का ऑर्डर दिया है। एक लेडी ने 1/2 kg, एक और लेडी ने 1/2 kg, एक लेडी ने मुझे 200 ग्राम का ऑर्डर दिया है, तो 200 ग्राम का ऑर्डर दिया है, तो इसीलिए उन्होंने पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। तो ट्राई करना, मेरी जो मैं बनाती हूँ ना मूंगफली की चटनी, बहुत अमेजिंग होती, बहुत मस्त टेस्ट होता है उसका। तो अगर आप सिंगापुर में हो, अगर आप ट्राई करना चाहते हो, तो मुझे DM करना इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आई गेट इन टच विद यू। फिर मैं उसका प्राइस वगैरह सब कुछ आपको पर्सनली भी बता दूंगी, क्योंकि अगर सिंगापुर में, अगर आप दूसरे एरिया में हो तो ऐसे आप आके नहीं ले सकते हो, अगर आप आके ले सकते हो तो वेल एंड गुड, वरना मैं पोस्ट के थ्रू भी भेजती हूँ उसको। जैसे एक लेडी को मैं पोस्ट के थ्रू भेज रही हूँ, एक तो मेरे घर के पास ही है तो उनको मैं दे रही हूँ। तो एक्चुअली 1/2 kg का $14 चार्ज कर रही हूँ मैं, सब कुछ देख दाख के, सब कुछ देख के, एंड सिंगापुर में मूंगफली की चटनी मिलती है नहीं, तो 1/2 kg इज $14। तो अगर किसी को चाहिए तो मुझसे टच में ज़रूर आना, कांटेक्ट करना मुझे, एंड आई विल सेंड इट टू यू गाइस। तो वही है, नया स्टार्ट किया, एंड पूरा पैकिंग होने के बाद ना मैं फर्स्ट पैकेट जब मैं पोस्ट करती रहूंगी ना, वो भी मैं आई थिंक इस व्लॉग में या फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, एंड मैं पोस्टल से कांटेक्ट की, पोस्ट ऑफिस से उनको पूछा कि कौन सा स्टैंप लगाना पड़ता है सिंगापुर के, विद इन अगर भेजना है तो कौन सा एनवलॉप लगता है उसमें, वो सब कुछ मैंने देख दाख के फिर मैं स्टैंप भी लेके आने वाली हूँ शाम को जाके। यहाँ पे मशीन होती है एक से स्टेशन बोल के, वहां से स्टैंप मिलते हैं आपको, तो वो लेके आने वाली हूँ। सब कुछ आपको वर्ड प्रोसेस दिखाऊंगी कल, ये इस व्लॉग में आपको सब कुछ देखने मिलेगा, एंड मेरा पैकिंग वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी। अरे बेसिक है अभी, अगर कुछ अच्छा हुआ तो फिर और कुछ अच्छा करेंगे। ये सब बेसिकली ना, देखिए मैं खाली बैठी हूँ, कुछ कर लूँ, साथ ही साथ पॉकेट मनी भी हो रही है, साथ ही साथ कुछ नया टेस्ट लोगों को पता भी चल रहा है, तो इट्स वेल एंड गुड। एंड माउथ टू माउथ बिजनेस बहुत स्ट्रांग होता है लेडीज का, मतलब है ना, जो मुंह होता है ना वो चुप नहीं रहता है, पता है ना, अगर एक चीज पता चली, अगर इन लेडीज को पसंद आया तो वो और 4 लेडीज को बताएंगी, फिर ऐसे होते 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 ना, क्या पता एक दिन मैं मूंगफली की मर्चेंट बन जाऊँ, चटनी की मर्चेंट।
जस्ट किडिंग. तो वही था, आप लोगों के साथ शेयर करना था क्योंकि सारी अच्छी बुरी बातें मैं शेयर करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा अच्छी शेयर करती हूँ क्योंकि बुरी जानने के लिए तो कोई मेरा व्लॉग देखेगा नहीं, है ना. तो वही है, चलिए मैं मम्मी को कॉल कर लेती हूँ, उनका कॉल आया था. सो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में अभी. सो फाइनली क्या दाल चढ़ा दिया मैंने सो दाल चढ़ा दी है, मिक्स्ड दाल बनाने वाली हूँ मैं आलू के ड्राई सब्जी के साथ एंड राइस बनाऊंगी. सनी को ना बुखार आई हुई है, बुखार एंड थ्रोट पेन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ना वो बहुत ही लो फील कर रहे हैं. तो कल ने उनको गोली दी हुई है, तो बस आज मैं दाल आलू की सब्जी एंड राइस दूंगी उनको. अच्छा वाला वो घी डाल के थोड़ा तड़का लगा के राइस बनाऊंगी एंड वही दे दूंगी. इतनी गर्मी और इतना पसीना आ रहा है मालूम, मैंने पूरा पोछा लगाया अभी घर में क्योंकि वो मतलब दिन में लगाई रहती हूँ मैं कभी कभार, बट शाम को आते आते ना इतना कचरा उचरा दिखने लगता है ना, बहुत अजीब लगता है मुझे. शाम को जब मैं अगरबत्ती लगाती हूँ ना, घर क्लीन लगना चाहिए तो वो फीलिंग अच्छी होती है. कपड़े धो के मैंने काफ़ी सारे सुखा दिए इसलिए मेरे चेहरे पर वो शैडो भी पड़ रही होगी. और मैं आप लोगों को कुछ स्टिकर्स दिखाना चाहती थी. तीन स्टिकर्स मंगवाए थे मैंने, काफ़ी डिफरेंट लगे मुझे एंड बहुत फनी भी लगे, बहुत प्यारे लगे. तो आई वॉन्टेड देम टू बी स्टक ऑन माई वॉल्स, तो मैंने वो मंगवाए हैं, वो आपको दिखाऊंगी मैं. बहुत क्यूट है, तीनों ही स्टिकर्स बहुत प्यारे लगे मुझे. सो सबसे पहला यहीं पर लगाया मैंने लिविंग रूम में. ये मेरे किचन का यहाँ पे एंट्रेंस है ना, तो यहाँ पे बटन है जो किचन का लाइट जलता है, ठीक है. तो इस पे मैंने ये वाला मंगवाया था, देखिए मिन्नू बिल्ली बोलते हैं कितना प्यारा है, आधा आधा स्टिकर है ये, ऐसे लगता है जैसे बिल्ली ने बटन्स को पकड़ के रखा है. तो ये वाला फर्स्ट है. और फिर उसके बाद आता है मेरा कॉफी कॉर्नर के पास, ये वाला तो पहले से ही मैंने लगा रखा था. ये मैंने एक और मंगवाया जो देखिए कप में से जैसे कॉफी गिर रही हो, तो ये यहाँ पे आ गया, ये दूसरा वाला है. तीसरा दिखाती हूँ आपको, तीसरा वाला यहाँ पे है जो हमारा ये यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, फॉयर है ना चलने वाला. तो यहाँ पे ये वाला जो है ये गीजर का बटन है, ठीक है, जो पानी गर्म होता है उस गीजर का है. तो ये हमेशा भूल जाते हैं, हम लगाते हैं एंड बाहर चले जाते हैं नहाने के बाद तो याद नहीं रहता है. तो यहाँ पे भी ये मैंने लगाया कि कोई अभी आया भी घर पे तो उनको भी पता चलेगा कि इस बटन को हमेशा बंद करना है, भूलना नहीं है. तो ये वाला मैंने एक और मंगवाया था. सो ये तीनों ही मुझे बहुत प्यारे लगे, तो ये तीन मंगवाई थी मैंने, तीनों लगा दिए. ये तीनों मैंने शॉपी से मंगवाया था तो वो भी आ गए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो भी दिखा दूं आप लोगों को. ये रहे मेरे दो रूम पीछे मेरे, कुछ अलग दिख रहा है ना. अभी फटाफट से चावल चढ़ाती हूँ मैं, फिर नहा लेती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है, रात तक मैं वेट नहीं कर सकती, बहुत गर्मी लग रही है यार. ओके थैंक यू सो मच. वेरी थॉटफुल, थैंक यू. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. तो ये है नेक्स्ट डे. तो यहाँ पे देखिए मूंगफली मैं भून रही हूँ, ये ऑर्डर के लिए है. एक्चुअली मुझे 1.5 किलो का ऑर्डर मिला है इन टोटल, तो इसीलिए ये 1 किलो का मूंगफली है और एक थोड़ा सा यहाँ पे मैंने और एक आधा किलो डाला हुआ है. तो ये सब कुछ अभी इसके छिलके निकाल के फिर चटनी बनानी है. अभी लहसुन भी छिलूँगी, फिर उसके बाद चटनी तैयार हो जाएगी. ये रहा वेइंग स्केल जिस पे वे करूँगी मैं चटनी को एंड फिर दूंगी. और ये मैंने बनाई थी रिसेंटली, ये देखिए इतनी मस्त बनी है चटनी मालूम, ये देखिए ये रही चटनी जो मैंने बनाई थी, एकदम स्पाइसी वाली बनाई थी मैंने. तो ये रही मेरी वाली. सो ये देखिए एक बैच मैंने बनाया है, अब इसका वेट चेक कर रही हूँ मैं कितना है. देखिए 366 है, तो इसमें और थोड़ी चटनी जाएगी जो 500 ग्राम बना देगी इसको. दोस्तों अभी रात के 12:30 बजे हैं एंड मेरा पहला रोज़ा होने वाला है कल, तो इसीलिए अभी मैं खाना नहीं खाई हूँ शाम को, बस एक ही चपाती खाई थी जब सनी को खाना दे रही थी मैं. तो अभी डायरेक्टली मैं सहरी में खा के फिर सो जाऊँगी. तो मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई, आलू प्याज की, फिर उसके साथ ऑमलेट बना लूँगी, फिर फ्रूट्स हैं काफ़ी सारे, अंगूर ये वो, खजूर वजूर खाऊँगी मैं
एंड अभी मैं कषाया बना रही हूँ. कषाया आई थिंक हमारे उत्तर कर्नाटका के साइड वाले जो भी है ना उन सबको पता रहेगा. कषाया ऐसे बहुत सूदिंग होता है, ठंडा भी होता है बॉडी के लिए. तो सनी के लिए कषाया बना के दे रही हूँ मैं, क्योंकि उनको गले में थोड़ी खराश हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि उनको कषाया ही बना के. और अभी जस्ट फेयर प्राइस गई थी मैं, वहाँ से सामान भी लेके आई जो जो ज़रूरत का था. और मैं आपको मेरा जो चटनी बनाई हूँ ना मूँगफली की, वो आपको दिखाती हूँ फटाक से. भी रुकी है तो वो भी सारा पैकेजिंग वगैरह हो गया, वेट वेट चेक करके फिर मैंने बना दिया वो आज शाम को ही. मेरा मेरा कषाया तो मैं भी पी रही हूँ थोड़ा बहुत. मुझे बहुत पसंद है कषाया, बट लाइट वाला पसंद है, ठीक नहीं पसंद. एंड यहाँ पे देखिए मैंने फ्रूट्स ला के रख दिए हैं, ताकि अभी रमज़ान के टाइम ना शाम को फ्रूट्स भी काट के खाऊं मैं रोज़ा खोलते वक्त. और ये रहे पैकेजेस, ये एक ऑर्डर आया था 150 ग्राम का, तो उनका पैकेज ये है. इसके साथ ही साथ मैंने एक छोटा सा गरम मसाला का भी सैशे डाला है इसमें, ताकि उनको गरम मसाले का टेस्ट भी पता चले. देखिए छोटा सा गरम मसाले का सैशे है और अंदर ये 150 ग्राम की मूँगफली की चटनी इसमें है. ये 500 ग्राम, ये हाफ के जी वाला पैकेट है, जो कि कुछ ऐसा पैकिंग किया है मैंने, ये देखिए ऐसा. और ये मैंने स्टिकर्स मंगवाए थे, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय स्मॉल बिजनेस, एंड मैंने लिख दिया है ग्राउंडनट चटनी. तो ये कल वाया पोस्ट में इसको पोस्ट कर दूंगी. ये मुझे हैंड टू हैंड डिलीवरी देनी है, मतलब वो लड़की आ रही है लेने के लिए. ये वाला मुझे पोस्ट में डालना है एंड ये भी पोस्ट के थ्रू भेजना है. तो यहाँ पर रेडी रखा है मैंने. सो बस अभी कषाया पी रही हूँ. एंड देखा ना आपने कैसे कैसे मैंने पैकिंग की, सब कुछ चटनी वटनी की. एंड आई थिंक मैं आपको सहरी में मिलती हूँ एंड उसके बाद इस व्लॉग को हम एंड करते हैं, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट. देखिए अभी मैं सहरी के लिए उठ चुकी हूँ. तो ये रही चपाती मैं बना के रखी थी सोने से पहले. ये आलू की सब्ज़ी है, प्याज आलू की. और यहाँ पे पनीर रखा हुआ था तो मैं वो ही खा रही हूँ, बहुत अच्छा बना था ये पनीर. और इसके साथ ही साथ यहाँ पर है माइलो, तो इसके बाद थोड़ा सा राइस भी खाऊंगी मैं. मेरी सहरी कंप्लीट हो जाएगी ये सब खा के होने के बाद, ठीक है? तो ये सब कुछ खाती हूँ मैं, फिर आपसे मिलती हूँ. एंड मुझे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडनेस हुआ है, पता नहीं क्यों. तो स्किन है, कुछ भी होता रहता है ऐसे सब. सहरी करके हो चुका है, मतलब खाना वाना खा के हो चुका है. अभी हाथ नहीं धोई मैं, क्योंकि पानी पीना बाकी है अभी. एंड मम्मी ने मुझे बोला कि तू सौंफ का पानी बना के पीना, उससे प्यास नहीं लगी, क्योंकि गर्मी बहुत है ना. तो मम्मी को टेंशन लगा है कि सारे रोज़े रहने वाली है, प्यास लगेगी, तकलीफ़ होगी. आफ्टर ऑल माँ को ज़्यादा तकलीफ होती है ना, बच्चे को भूख लगी, चाहे वो कितने भी किलोमीटर दूर रहे, माँ को फील होता है जब बच्चे को प्यास लग रही है या दर्द होता है बच्चे को अपने, तो माँ को सबसे पहले फील होता है. तो मेरी मम्मी को भी ऐसे ही कुछ इंट्यूशंस आ रहे हैं शायद, तो इसलिए उन्होंने बोला कि सौंफ का पानी वगैरह बना के पीना. एंड मेरी आंखों में इतनी नींद है रही है, मुझे इतनी नींद आ रही है अभी, माइंड यू बहुत नींद आ रही है. मैं फटाफट से जाके सो जाती हूँ मैं पानी पी के. एंड अभी ऐसे ही ना खाना खाते खाते मुझे बचपन की बातें याद आ रही थी, है ना. बचपन में सहरी करने उठना मतलब है ना, मतलब ऐसा, वो भी एक ही रोज़ा रहती थी मैं, वो भी कब रहने लगी हूँ काफ़ी बड़ी होने के बाद. जब आई थिंक 7-8 साल की थी मैं, तब मैंने रोज़ा रखा था. बट मुझे पता है मैं पानी वानी पी ली थी बीच में. बट थोड़ी ज़रा मतलब 9th-10th होने के बाद जब रोज़ा रखती थी ना, एक्चुअली क्या होता है मतलब सबसे छोटे बच्चे जब रोज़ा रखते हैं ना, तो हुबली उबली की साइड या फिर आई नो कर्नाटका के साइड ना, उनको फूल पिलाते हैं शाम को इफ्तारी के बाद. तो जब रोज़ा फास्ट रिलीज़ करते हैं ना, तो तब फूल पिलाते हैं उनको, बच्चों को. तो मुझे है ना रोज़ा रहने से ज़्यादा वो फूल पहनने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था. तो मम्मी या नानी के हाथ से ना मैं ज़बरदस्ती फूल मंगवाती थी, जबकि उनका कोई मन नहीं रहता था, क्योंकि उनको पता है कि ये ज़बरदस्ती रोज़ा रखिए बल के. तो एक ही रोज़ा रखे, कोई बोलता नहीं था रखने के लिए, बट मुझे वो फूलों के लिए मुझे रोज़ा रखना पसंद है. तो एक रोज़ा रख देना तो फूल ज़बरदस्ती मंगवा के पिन पहन के घूमने का. फूल मतलब है ना ऐसा ये पहनाते हैं हार, एंड चोंडा हो, आई थिंक चोंडा भी कभी कभार लाते थे मम्मी. तो
वो बातें याद आ गई मुझे, मतलब ऐसे अच्छा लग रहा था। मालूम बचपन बचपन होता है, एक बार बचपन गुजर गया ना तो खत्म है, वो मिलेगा नहीं कभी, सिर्फ यादें यादें रह जाती हैं। अभी के बच्चों तो इतने लकी हैं, उनके वीडियोस हैं, फोटोज हैं, सब कुछ है। हमारे फोटोज हैं बहुत रहे, थोड़े थोड़े फोटोज हैं, बट वीडियोस नहीं है हमारे। उस टाइम पे वीडियो का कहाँ था ही नहीं कुछ भी, है ना। मगर अभी के बच्चों का हर चीज का वीडियो रहता है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट बर्प, फर्स्ट खाना, सब कुछ, हर चीज का वीडियो होता है आजकल। तो वही है ना, अभी जैसे तो वही है ना, कभी कभार ऐसी चीज़ें याद आती है ना तो ऐसे अजीब फीलिंग होती है। मतलब मुझे बहुत याद आ रही थी आज, ऐसे मम्मी की याद आ रही है, बचपन की याद आ रही है, कि वो लाइफ अलग थी, वो लाइफ कभी मिलेगी नहीं हमको। और ये लाइफ, ये भी अच्छी है लाइफ, आई एम हैप्पी, ठीक है, बट देन वो जो बात थी ना, वो बात इस लाइफ में हमेशा मिसिंग रहेगी, क्योंकि ये बिल्कुल अलग होता है जवानी, ये एडल्टहुड, एंड देन मिड, इसमें आने के बाद ये सारी लाइफ अलग है, बचपन की लाइफ बहुत अलग होती है। चलो छोड़ो, अच्छे से फर्स्ट फास्ट है तो अच्छे से इसको कंप्लीट करते हैं, ऐसे उदास नहीं होने का, खुशी खुशी रोजा रखने का, है ना। तो चलिए इस व्लॉग को भी यहाँ पे एंड करते हैं, मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। आई नो इस बार व्लॉग्स बहुत रेयर आए हैं, मैं भी अच्छा खासा ब्रेक ली, एंड देन तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो हेल्थ इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल देन, डू वॉट मेक्स यू हैप्पी गाइज। बाय बाय।